नमस्कार, मैं डॉक्टर वरुण वत्स, मैं यूरोलॉजिस्ट एंड ट्रांसप्लांट सर्जन अनुपम हॉस्पिटल लुधियाना से आप सबको आज किडनी स्टोन्स के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, हम लुधियाना पंजाब में बैठे हैं। ये जो बेल्ट है हमारी, सब हिमालयन बेल्ट कहते हैं, इसमें हमारे किडनी स्टोन्स की प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है। इसमें हमारा इंसिडेंस, मतलब जो आम लोग हैं उसमें किडनी स्टोन्स बार बार यहाँ पे बनते हैं, क्योंकि हमारे हम जेनेटिकली और अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से यहाँ पे किडनी स्टोन्स के लिए प्रोन है। किडनी स्टोन्स के किसी कोई मतलब इसके रिस्क फैक्टर्स अब क्या होते हैं, किन में ये बन सकते हैं? किडनी स्टोन्स किसी भी, इसमें सेक्स के साथ कोई रिलेशन नहीं, मेल्स फीमेल्स दोनों में बन सकते हैं। उम्र के साथ जनरली ये बच्चों में कम बनते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है 30 to 40s के बाद ये किडनी स्टोन्स की प्रेवलेंस बढ़ जाती है, और इसमें कई जेनेटिक डिजीज़ भी हमारी हैं जिसके कारण किडनी स्टोन्स बनते हैं। कईयों में यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है, उनमें किडनी स्टोन्स बार बार बनते हैं। कई अंदरूनी बीमारियाँ हैं जिसके कारण किडनी स्टोन्स बनते हैं। कई बार किडनीज में और नीचे यूरेटर और ब्लैडर में जो पेशाब का रास्ता है वहाँ पे कोई डिफॉर्मिटी हो, वहाँ पे रुकावट हो, प्रोस्टेट की दिक्कत हो, उन पेशेंट्स में ये किडनी स्टोन्स बार बार बनते हैं। और जो हमारा एनवायरनमेंट है, आप जैसे जानते ही हैं कि हमारे यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो जहाँ जिस भी एरियाज में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़े उसमें डिहाइड्रेशन होती है, पेशेंट को पानी की कमी होती है, तो किडनीज में भी यूरिन हमारा गाढ़ा भर हो जाता है। तो इन सारी कंडीशंस के कारण हमारे किडनी स्टोन्स बनते हैं। अब किडनी स्टोन्स जब आपको कैसे पता लगता है, आपके सिम्टम्स क्या होते हैं पेशेंट के कि किडनी स्टोन्स आपको हो गए हैं? जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो ये है कि पेशेंट के दर्द होने लग जाती है, मतलब जिन्होंने असि पंजाबी से कहने बखियाँ दे थले दर्द हो रही है, वो बहुत ज़्यादा कई बार पेशेंट के दर्द बहुत तेज़ होती है, इन्नी तेज़ होती है कि कई बार नॉर्मल दर्द की गोली नाल भी उन्हों ठीक नहीं होंदा, उन्हों इंजेक्शन लगाना पैंदा सानू दर्द का, बहुत तेज़ दर्द होती है। दर्द के साथ पेशेंट को कई बार उल्टी आती है, उल्टी भी आ सकती है, पेशाब में दिक्कत आ सकती है, कई बार पेशाब में पस आने लग जाती है या पेशाब में खून आने लग जाता है, पेशाब बार बार आने लग जाता है, पेशाब में जलन होने लग जाती है। ये कई बार किडनी स्टोन्स बिल्कुल ही किडनी को बंद कर देते हैं, उन पेशेंट्स में पस बनने लग जाती है किडनी में, पेशेंट को फीवर आ जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स पेशेंट के आ सकते हैं। अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपने अपने आप, अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो आप अपने नज़दीकी यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए। अब यूरोलॉजिस्ट ने आपको चेक करेगा, आपको एग्जामिन करेगा, और आपके सिम्टम्स के हिसाब से अगर उसको लग रहा है कि आपको किडनी में कोई प्रॉब्लम आ रही है या स्टोन्स कहीं ना कहीं आ रहे हैं, तो आपको टेस्ट प्रिस्क्राइब कर सकता है। टेस्ट में आपके ब्लड टेस्ट हो सकते हैं जिसमें वो देखेगा किडनी काम कर रही है कि नहीं, अगर फीवर आ रहा है तो CBC कराएगा देखने के लिए कि इन्फेक्शन कितनी है, यूरिन के टेस्ट होंगे, और एक बेसिक आपका अल्ट्रासाउंड या एक्सरे, ये दोनों चीज़ें देख करेंगे। अब अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और इन टेस्ट के रिजल्ट्स के ऊपर हमें ये पता लगेगा कि किडनी स्टोन्स हैं, अगर हैं तो कहाँ पर हैं, कौन से किडनी में हैं, कितने हैं, उनका साइज़ क्या है, कि इन स्टोन्स के कारण किडनी ब्लॉक तो नहीं हो रही या पेशाब का रास्ता कहीं पे वो बंद तो नहीं कर रहे किडनी स्टोन्स, और अगर इन्फेक्शन है तो कितनी है, यूरिन में इन्फेक्शन है तो कितनी है, किसके कारण हो रही है। ये सारी चीज़ें देखकर, आपको सारी चीज़ें देखकर डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपने करना क्या है, आपकी ट्रीटमेंट करनी कैसे है। तो अगर तो इन्फेक्शन होगी तो वो आपको पहले दवाइयाँ देगा, इन्फेक्शन ठीक होगी, आपका फीवर कम होगा, और किडनी स्टोन्स का साइज़ कहाँ है, कितने हैं, उसके हिसाब से आपका इलाज किया जाएगा। सपोज़ आपके किडनी स्टोन्स छोटे हैं, मतलब 5-6 millimeter के हैं, तो जनरली हम पेशेंट को पहले दवाई दे के कोशिश करते हैं कि किडनी स्टोन्स दवाइयों के साथ ही निकाले जाए, ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर किडनी स्टोन्स बड़े हैं, जैसे 1-1.5 centimeter के किडनी स्टोन्स आ रहे हैं, या आपके बिल्कुल ही रुकावट कर रहे हैं, किडनी को बिल्कुल ही बंद कर रहे हैं, तो इसका हम इलाज आगे ऑपरेशन के द्वारा करते हैं। ऑपरेशन में भी आजकल बहुत सारी टेक्निक्स हैं, डिपेंडिंग की किडनी साइज, किडनी स्टोन कहाँ पड़ा है और साइज़ क्या है। अगर तो छोटा स्टोन है 1-1.5 centimeter का है, तो हम जैसे आजकल ESWL, जिसको हम लिथोट्रिप्सी कहते हैं, मतलब
पेशेंट को किरणों के साथ ही बगैर चीरे के स्टोन तोड़ के चूरा कर दिया जाता है और पेशाब के रास्ते वो निकल जाते हैं, वो कर सकते हैं। या फिर आजकल हम बगैर चीरे के लेज़र के द्वारा, जिसमें हम पेशाब के रास्ते लेज़र डाल के किडनी तक पहुंच के वहां पे स्टोन को बिल्कुल चूरा करके सारा निकाल देते हैं, जिसको RIARS कहते हैं। इसमें पेशेंट का फायदा ये है कि आजकल जो टेक्निक इतनी एडवांस है, लेजर इतनी अच्छी आ गई है कि पेशेंट आता है और नेक्स्ट डे डिस्चार्ज हो जाता है, चलता खाता पीता आता है हमारे पास, और उसी कंडीशन में मतलब आराम से चल के खाना पीना खा के पेशेंट नेक्स्ट डे छुट्टी भी हो जाती है, और पेशेंट को ना कोई दर्द होती है ना कोई पता लगता है, और पेशेंट का कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा होता है। इनफैक्ट 1 या 2 दिन में काम भी स्टार्ट कर लेता है पेशेंट। जितने पहले पहले मतलब 20-30 ईयर्स, 20-30 साल पहले जो किडनीज के ऑपरेशन करते थे, हमें बहुत बड़ा चीरा देना पड़ता था, 10-15 टांके लगते थे। आज की डेट में ऐसा हमें कभी भी मतलब वन रेयर होता है कि आजकल कोई चीरे वाला ऑपरेशन करे, नहीं तो चीरे वाला ऑपरेशन करने की आजकल बिल्कुल जरूरत नहीं है, इतनी अच्छी टेक्निक आ गई। तो लेजर द्वारा हम ये ऑपरेशन करते हैं। अगर सपोज थोड़ा बड़ा पत्थर है, 4-5 सेंटीमीटर का पत्थर है, तो दूरबीन द्वारा उसका भी ऑपरेशन किया जाता है। साइज आजकल मैटर नहीं करता, दूरबीन द्वारा सारे पत्थरों का इलाज किया जाता है, और उसमें अगर बहुत बड़ा पत्थर हो तो एक टांका लगाया जाता है, क्योंकि दूरबीन हम डायरेक्टली किडनी में डालते हैं, जिसको हम PCNL करते हैं कहते हैं। इसमें भी पेशेंट को अगले दिन या उससे अगले दिन छुट्टी हो जाती है और एक टांका लगाता है। इसमें भी पेशेंट की कंफर्ट लेवल बहुत अच्छी होती है और 4 से 5 दिन बाद पेशेंट काम पे भी चला जाता है। तो आज की डेट में अगर आपको, मेरे पास आजकल बहुत पेशेंट आते हैं जो कि किडनी स्टोन से, इलाज से या ऑपरेशन से घबराए होते हैं, वो कई कई दिन कई कई महीने दवाइयाँ ट्राई करते रहते हैं, पता होते हुए भी कि ये नहीं निकलेंगी, कभी किसी की दवाई खा लेते हैं, कभी किसी की, ये डर से कि हमें ऑपरेशन ना कराना पड़े। उनको हमेशा यही समझाया जाता है कि आज की डेट में जो किडनी के ऑपरेशन से पहले डर लोग लगते हैं, डरते थे कि इतना बड़ा ऑपरेशन होगा, आज में जरूरत नहीं है। और जितने भी पेशेंट्स ये सारे ऑपरेशन कराते हैं, हर एक पेशेंट मतलब तकरीबन हर एक यही कहता है कि डॉक्टर साहब बस इतना ही काम था और मैं इसको कराने के लिए इतने महीनों से डरी जा रहा था। दे आर वेरी हैप्पी, बहुत खुश होके जाते हैं, कोई तकलीफ नहीं होती। नाले हर एक ही ये कहता है कि ऐ डरी गए, लोड़ नहीं सी, ये तो सानू पहला ही करा लेना चाहिए सी, असी इन्नी देर ऐ अपनी दर्द झेल दे रहे। तो आप सबसे यही दरखास्त है, यही आपको रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि अगर आपको ये सिम्टम्स किडनी के आ रहे हो या ये तकलीफ हो रही हो, तो अपने नज़दीकी यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए और उसको अपना चेकअप कराइए, और उसकी जो सलाह होगी वो सुनिए और अपना इलाज कराइए। थैंक यू।